वेलकम बैक टू माय चैनल शारदास किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ वेडिंग बैग आप कैसे तैयार करें, उसके लिए मैं एक छोटे सा गाइड वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए इस जिसमें मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊँगी कि ब्राइड को अपने बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी बातें, कौन सी बातों का ख्याल रखें अपने बैग पैक करते वक्त और कैसे करें। तो मैं आपको इसका एक कंप्लीट वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे तामझाम फैले हुए हैं, बहुत हम लेडीज़ को बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को अभी हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि कुछ ना कुछ कितना भी कर लो छूट ही जाता है। तो मैं कोशिश की हूँ कि सारी चीज़ें मैं ला सकूँ एक वीडियो में। तो देखिए इस तरह से मैंने पाउच मंगाए हैं, ये देखिए। तो ये सारे पाउच मैंने ऑफलाइन ही मंगाए हैं, ऑनलाइन नहीं लिया है। तो ये अभी मैंने लाया है। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके हैं। तो मैंने इस तरह से जो पाउच मंगाए हैं वो ट्रांसपेरेंट आप पाउच रखिए, ताकि जो भी आप सामान रखते हैं वो आपको ऊपर से दिखाई दे। तो देखिए एक पाउच में मैं सारे रबर बैंड्स, क्लिप और ये सब चीज़ें रख रही हूँ, ताकि मुझे एक जगह मिल जाए। और बाकी जो डियो, गुलाब जल, ये सब जो होते हैं, जो रोज़मर्रा के चीज़ें होती हैं, वो आप स्क्रब रखिए, पील ऑफ रखिए, क्योंकि नई जो दुल्हन होती हैं उनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और जो जो आप यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें रखें, और गर्मियों का सीज़न है तो एक नाइसिल पाउडर रखें, ग्लिसरीन रखें, मॉइस्चराइज़र रखें, डे नाइट क्रीम रखें, ये सारी चीज़ें रखें, क्योंकि इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये सब तो हम डेली यूज़ करते हैं, वो सामान है। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, तो अभी मैं इसलिए बता रही हूँ ना ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि ना क्योंकि ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट बैग में रखोगे एक जगह सरिए सजा के, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। जैसे एक चीज़ में मैंने बाथरूम का सामान रखा है, जेल है, सावर जेल है, सीएनडी है, प्रोडक्ट्स हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आपका सामान पहले ही ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको ये चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर से आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। और आप जब न्यू घर में जाते हैं, अपने नए घर में जाते हैं, तो सारी चीज़ों को आपको सही से जमाना होता है अपने नए घर में। तो आप आसानी से इस तरह से पाउचेस जो है वो निकाल के इसी तरह से रख दीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चीज़ों में आप अपने सारे सामान रखिए, और एक पाउच में मैं यहाँ पे रख रही हूँ कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, और इन सब चीज़ों में सब कुछ रख रही हूँ। तो आप एक रेज़र रखिए जो आईब्रो बनाते हैं, शेप देते हैं उस तरह का, ताकि अभी नई नई है तो बहुत सारे जगहों पर लोग बाहर नहीं निकलते, मतलब दुल्हन बाहर नहीं निकलती, तो ये सब चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। तो लिपस्टिक दिखा रही हूँ, इन लिपस्टिक में शामिल कीजिए अपने बहुत सारे सेट्स, और दो तीन सेट्स ऐसे रखें जो आप डेली वेयर में लगा सकती हैं, क्योंकि अभी जब न्यू शादी होती है तो कोई ना कोई आपको देखने के लिए या घर में रिलेशन रिलेटिव सब आते जाते रहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें खुद को कैरी करना होता है। तो बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी गर्मी का मौसम है तो आप इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें न्यूड शेड रखिए, जिससे कि आप डेली उसे कैरी कर सकते हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखा है। एक और इस तरह से मैंने एक बैग लिया है, ये बैंगल बॉक्स है, तो ये मैंने मीशो से लिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं।
तो इसमें बहुत ही अच्छे से आप अपनी सारी चूड़ियों को रखें। चूड़ियाँ रखने के तरीका होता है कि आप अगर न्यू शादी हो रही है आपकी, तो जहाँ तक हो सके आप सारे कलर के थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ रखें, जिससे कि आप जब भी कोई साड़ी वगैरह चेंज करते हैं तो आप मैचिंग बैंगल्स यूज कर सकें। तो इसलिए सारे कलर्स के, ऑलमोस्ट सारे कलर के, काला और वाइट छोड़कर आप सारे कलर को अपने साथ लाने की कोशिश कीजिए। तो थोड़े थोड़े से बैंगल्स आप सारे रख सकते हो, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाती हूँ करके। तो मुझे तो चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहना करती थी। तो इस तरह से आप कांच के, मेटल के, मल्टी कलर, लहठी, ये सब सारा चीज़ रखिए, जिससे कि आपको मतलब तुरंत शादी के बाद आपको दूसरी चीज़ की शॉपिंग करनी नहीं पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। आप जब भी अपने साड़ी पहने, तो साड़ियों का भी यही होता है कि आप साड़ियाँ भी ना ज़्यादा ज़्यादा जितना संभव हो सके आप जितने भी कलर्स होते हैं, ब्लैक वाइट छोड़कर, आप सारे कलर्स को अपने चूज़ों में शामिल करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको कोई भी ओकेज़न में जब जाना हो, साड़ी पहननी हो, तो आप फट से तैयार हो सकें और चूड़ियों का भी एक छोटा कलेक्शन बना कर रखें। तो मैंने देखिए यहाँ पे रख दिया है नेल पॉलिश और रबर बैंड। आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से लिया है। नेल पेंट में भी मैंने उसी तरह से लगभग सभी तरह के सेट्स रखे हैं। तो ये एक में ये रख लिया, एक में अपना रख लिया मेकअप का सामान, लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा वगैरह जो भी आपको चाहिए। एक तरफ से मैंने फेस पे ले लिया है सारी चीज़ें, फेस वॉश, क्लिंजर वगैरह, ये सब चीज़ें जो आपको ज़रूरी हो। और इसमें भी क्रीम और सन एक्सपर्ट वगैरह रख लिया है। और एक पाउच में मैंने रखा है यहाँ पे ब्रश और टूथपेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं अपनी शादी में तो टूथपेस्ट और ब्रश रखना ही भूल गई थी, तो नेक्स्ट डे मुझे दतवन या दातून जो बोलते हैं, वो उससे ही मुझे यूज़ करना पड़ा था, धोना पड़ा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लेडीज़ के लिए कि आप अपने साथ सैनिटरी नैपकिन भी ज़रूर रखें, ये भूले नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर सारे जो साड़ी है वो कवर में रख लिया है, एक तरह से कवर मंगाया है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं यहाँ कर रही हूँ बैकपैक। तो कोई भी आप नया चीज़ करने जाते हैं तो भगवान के नाम से ही शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर रोड़ी और ये अक्षत के कुछ दाने हैं जो मैं यहाँ पे छेद दूँगी। देखिए मैंने अब सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अभी हम सिर्फ बैग में रखना ही सिर्फ बचा है, क्योंकि मैं हमने सारे जो है साड़ियाँ हैं वो पेटीकोट और ब्लाउज़ के साथ साड़ी में कवर के साथ रख दिया है, और कवर को इस तरह से सेट कर लिया है। तो बस हमें अब साड़ी को बस या जो भी सामान हमने रखा है वो बस हमें से बैग में रखना बाकी है। तो हम फटाफट से रख देंगे। और इस तरह से सामान होता है, तो आप जब भी अपने न्यू घर में जा रहे हो तो आप फट से अपना सामान बस इस तरह से बैग में तो है ही, जो पाउचेस में तो सब कपड़े और सामान है ही, फटाफट से आप उसको अलमीरा में सेट कर सकते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन को ऐसे कभी मत रखिए खुला, आप इस तरह से पेपर या अखबार में इस तरह से रैप कर दीजिए, जिससे कि किसी की नज़र वैसी पड़ेगी नहीं जब भी आप बैग खोलोगे। तो आप इस तरह से इसको साइड में रख दीजिए। आप पॉलिथीन में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास वाइट या और भी कोई कलर की पॉलिथीन नहीं थी, मैं यहाँ पे थोड़ा डांस करने लगी थी, क्योंकि काम करते करते और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ डांस करने लगी थी थोड़ा सा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर सामान को रख लिया है, और मैं यहाँ ले रही हूँ दूसरा बैग। तो दूसरा बैग एक छोटा बैग है। इस छोटे से बैग में जितना हमने पाउच ये सब रेडी किया है, मेकअप का सामान है, वो एक बैग में रखेंगे हम। उसे
मिलाएंगे नहीं। तो हमने जो भी ये चूड़ी और सारे बॉक्सेस जो तैयार किया है वो इसमें रख देंगे, ताकि जो होता है ना जब ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी जल्दी में सारा चीज़ जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेगी, और आप बैग खोलोगे तो आपको ये सारे ट्रांसपेरेंट पाउचेज हैं तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी चीज़ें किस जगह पे हैं। तो इस तरह मैंने रखा है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने सैंडल्स भी रख लिए हैं। तो इस तरह से सैंडल्स रख लीजिए, और इसमें अभी बहुत सारा जगह बचा है तो मैं यहाँ पे अपने दोनों लहंगे इसमें डाल रही हूँ। तो जो भी सामान बचा हुआ है वो मैं इस बैग में डाल दूँगी। तो अभी इस सारे जो हमारी जो ट्रॉली है सब में अभी थोड़ा थोड़ा जगह बाकी है, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें रखनी है। मैंने आपको अभी कुछ चीज़ें रखकर बताया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें साड़ी है और पेटीकोट और ब्लाउज़ रख दिया है, सैनिटरी नैपकिन रख दिया है, और इस तरह से देखिए अभी बहुत सारी जगह खाली है। अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें और रख सकते हैं, तो और रख सकते हैं ऊपर के चीज़ों में जिस तरह है ना, आप इसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह रख लीजिए। और मैंने इसमें डाल दिया है अंडरगारमेंट्स वगैरह, ये आप इसमें रख सकते हो, बिल्कुल खाली है। छोटी छोटी चीज़ें अभी बहुत सारे नैपकिन्स वगैरह रख लीजिए। इसमें मैंने यहाँ चूड़ी और पाउचेस वगैरह रख लिए हैं, जिससे कि हम मुझे सामान ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट बैग में हैं, तो और भी ज़्यादा हमें कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं होगी। बैग खोलेंगे और सामने ही में आपको सारा सामान दिख जाएगा। तो इधर मैंने रख लिया है अपने सैंडल्स, और रख लिए हैं इधर लहंगे, और जो उधर सामान अटा नहीं वो इस तरह से मैंने बैग में डाल लिए हैं। तो आपको तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइज कीजिए, और जो भी चीज़ें बाकी हैं वो छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपकी अभी बाकी है वो मैं इसमें रख लूँगी। अभी बहुत जगह है, काफ़ी जगह है अभी, क्योंकि इतना खाली बैग तो नहीं जाने वाला है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? सर मैंने कर लिया है अपना बैग पैक पूरा, और जो जो अभी तो बहुत सारे सामान होते हैं जो कि छोटे ही रहते हैं, जब तक शादी ना हो जाए कुछ ना कुछ छूटता ही छूटता है। तो जितना मुझे अभी ध्यान आया है दिखाने की मैंने कोशिश की है, और अभी भी इसमें बहुत सारा स्पेस है बैग में। तो आप चाहें तो इसमें बहुत सारे सामान अभी इसमें जाएंगे, जैसे कि आप एक सूट पहनना चाहते हो तो सूट रख लो, पैंटीज और अंडरगारमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो छोटे वाले हिस्से में रखो, और एक नाइट गाउन रखो, और बहुत सारे सामान होते हैं डेली यूज़ के उसमें। अभी एक बैग में आप रखो हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, ये सब चीज़ें भी रखनी होती है। तो सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो मैंने इससे बनाया है ताकि अभी की जो लड़कियां हैं जिनके पास पता नहीं चलता कि हम अपने सामान को कैसे रखें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो उसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो के आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मैं हाजिर होती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।